हम भूल जाना चाहिए, ऐसा हम जब नेक पाक काम करते रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग मज़हब वज़हब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, कि हम सिर्फ इंसानियत को देखना चाहिए। और कोई भी इंसान का मुश्किल दूर करने में अगर खुदा हमारे को एक मौका दिया है तो हम उसको यूटिलाइजेशन करना, हम उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कल को खुदा वही देखता है कि क्या नेक काम करके आया जब तुम्हारी ज़िंदगी मिली। तो उसी के लिए हम काम करेंगे, कोई मायने नहीं, कोई मज़हब, कोई रिलीजन हमको कोई मायने नहीं रखता। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहाश गुलबर्गा। सफा बैतुल माल एक ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से सोशल वर्क में आगे है। सफा बैतुल माल हमेशा से COVID-19 रहने दो या फिर आम तौर पर हमेशा से डोनेशन के काम करते आया है और आम सतह पर लोगों की मदद करते आया है बगैर जात धर्म देखे। अपने कई सारे सोशल इनिशिएटिव्स के साथ साथ इस बार ऐसा मामला पेश आया कि डॉक्टर गुरुराज देशपांडे जो कि इंचार्ज हैं किदवई कैंसर यूनिट के, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई किदवई कैंसर सेंटर में कई सारे पेशेंट्स आते हैं और क्योंकि मौसम काफ़ी सर्दीला है जिसकी वजह से कई सारे लोगों को रात में रात गुजारने के लिए काफ़ी तकलीफ हो रही है और कई सारे लोगों के पास ठीक तरह से ब्लैंकेट्स भी नहीं हैं। इसी बात की देर थी कि सफ़ा बैतुल माल इमिडिएटली इस रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं और उनके जो केयर टेकर्स हैं उन सबको उन्होंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। ये काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेप लिया सफ़ा बैतुल माल ने, भले ये छोटा लग रहा हो लेकिन सही वक्त पर इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अहम है। याद रखिए सफ़ा बैतुल माल साल भर के लिए फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर। COVID-19 के अंदर ये मामला शुरू हुआ था और अब तक कई सारे दिन गुजर चुके हैं। कुल मिला के अभी 120 दिन के करीब बाकी हैं 365 डेज कम्प्लीट करने के लिए, यानी अभी कई सारी बुकिंग बाकी है। अगर आप इस नेक काम का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो सफ़ा बैतुल माल के इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सफ़ा बैतुल माल के एंटायर टीम को जिसको लीड किया प्रेसिडेंट मौलाना नज़ीर अहमद रशीदी, मौलाना गौसुद्दीन खासमी, मौलाना शफीक खासमी, मौलाना वाहिद रशीदी और सफ़ा बैतुल माल के एंटायर टीम को गोहैश सल्यूट करता है। कोई भी पेशेंट ऐसा ऐसा काम करते में क्या होता है, लोग फोन करते पहचाने क्या पहचाने क्या बोल के पेशेंट को भेज लो आप इधर। अच्छा। पेशेंट को भेजो जो मुनासिब में, जो BPL पे अगर BPL है तो उनका मैं और हमारे पास इलाज जो है तो गारंटी करा के देते हैं, अगर नहीं भी हो तो रास्ता दिखा देंगे। हाँ, जो बहुत ही आसानी से और कम खर्च में होना, अगर यहाँ से भी हम अगर बेंगलोर भेज रहे हैं तो हम यहाँ से गाड़ी का पास दे के भेजते पेशेंट और उनके साथ एक आदमी का दोनों खर्च देख लेता हूँ। ठीक है। तो किडवई हॉस्पिटल के बाद जो कैंसर के लिए जो गवर्नमेंट का संस्था अभी फिलहाल चालू है और जहाँ पे इलाज चल रहा है वो हमारा पेरिफेरल कैंसर सेंटर किडवई VTSM बोलते हैं, मतलब विट्ठलराव तुकाराम सुतरावे मेमोरियल पेरिफेरल कैंसर सेंटर। यहाँ पे हमारे पास 80 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे लगातार रोज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी चल रहा है। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्री सी रामचंद्र साहब का एक सपना है कि ये कैंसर हॉस्पिटल एक बड़ी रेफरेंस सेंटर होके उभर रहा है यहाँ पे, स्पेशली ये जो हमारा गुलबर्गा और ये जो HKE रीजन या कल्याण कर्नाटक का रीजन बोलते हैं हम, जहाँ पे एजुकेशन वाइज भी थोड़ा कम है और यहाँ पे बहुत धूप के कारण लोग जल्दी आना नहीं चाहते, वैसे में उन्होंने इंटरेस्ट दिखा के इस हॉस्पिटल को एक बड़ी संस्था में डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास किया। उसके ऊपर हमारे जो यहाँ के
डॉक्टर के टीम में है, यहाँ पे डॉक्टर के अलावा भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, यहाँ पे पीआरओ है, जो पेशेंट का हर रोज जो तकलीफ है उनकी, क्योंकि डॉक्टर हर रोज पेशेंट से बात नहीं कर सकता, सही, क्योंकि उसके वो ऑपरेशन के दरमियान 4 घंटे या 5 घंटे का ऑपरेशन के दरमियान पेशेंट आता जाता, पर वो दरमियान कौन उनका देखभाल करता, ये लोग उनका देखभाल करते, हमारे नर्सिंग जो सीनियर नर्स ऑफिसर है ये लोग, खान जो है ये लोग, मतलब लगातार उनके पीछे पड़ के और उनकी जिंदगी जहाँ पे जितने दिन हमारे साथ जहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते तब तक उन्होंने खुश रहना और उनकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीटमेंट एक बात है, दिल से उनसे बात करना भी एक अलग चीज रहता है, ये दोनों में मिला के हम एक इलाज करना, इलाज बीमारी का भी होना इंसान का भी होना, ऐसा हम सोचते हैं। गुलबर्गा के तमाम वासियों को मेरा नमस्ते। हम इस पेरिफेरल कैंसर सेंटर में खड़े होकर ये आज देख रहे हैं, ये जो नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे, करीबन रोज़ 150 लोगों के लोग आते हैं यहाँ पे अपना इलाज के लिए और फॉलोअप के लिए आते हैं। करीबन यहाँ 80 कैंसर के बेड हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट फुल चल रहा है बेड, और रोज़ 2 से 3 ऑपरेशन होते हैं, 80 के करीब दो रोज़ रेडिएशन होता है यहाँ पे, और 15 के आसपास कीमोथेरेपी होते हैं। वो आउट पेशेंट के जरिए ऑलमोस्ट 70 से 80 लोग रोज़ाना यहाँ पे आके डॉक्टर को दिखा के जाते हैं। और सफ़ा बैतुल माल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, रोज़ दोपहर में हमारे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों को खाना देता है, और कोविड जैसे भयानक टाइम में ये लोग हमारा दिल खोल के मदद करके एक मिसाल बना के रखे हैं, इंसानियत का एक लेवल पहुंचा दिए हैं ये लोग, जहाँ पे इन्हों तो हमारा उनका कोई जान पहचान था नहीं, पर एक छोटी चीज़ से एक उनके लिए एक छोटी हो सकती है पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे रोज़ आके हमारे पेशेंट को खाना देते हैं, पेशेंट और उनके रिश्तेदार। करीबन 250 डेज के आसपास हुआ ये जो सिलसिला रोज़ का चालू है। आज ठंडी के मौसम में सफ़ा बैतुल माल वालों को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो पेशेंट है, ठंडी का मौसम शुरू हुआ है तो आप ब्लैंकेट दे सकते हैं क्या, उन्होंने बोले बेशक, तो उस दो शब्दों से हमारे इतनी दिल भर गई और वो आज हकीकत भी हो गया, वो आज जाके हमारे पेशेंट्स को चादर दे के गए हैं। हम दिल खोल के उनको, उनकी पूरी टीम को, मौलाना साहब, नज़ीर मौलाना साहब, सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पेशेंट है उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, तो ऐसा कुछ आपको देखने में आया है? हम सब इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, वो तो घर पे जो चल रहा है चलने दो, हम उसके लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। अगर हम विधानसभा देखते हैं तो गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड वर्क, गॉड्स वर्क बोल के लिखा है, तो कभी खुदा किसी को देखता नहीं है, हमारी तो खुदा से बात होती नहीं है कि नहीं, तो सब एक जैसा है, उनका रहन सहन, उनकी फॉलो करने का सिस्टम अलग रहता है, पर सबके रगों में वही खून बह रहा है और सभी एक ही टाइप की ज़िंदगी जीते सभी, तो इसीलिए वो हम भूल जाना चाहिए। ऐसा हम जब नेक पाक काम करते रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग मजहब वजहब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, कि हम सिर्फ इंसानियत को देखना चाहिए, और कोई भी इंसान का मुश्किल दूर करने में अगर खुदा हमारे को एक मौका दिया है तो हम उसको यूटिलाइजेशन करना, हम उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कल को खुदा वही देखता है कि क्या नेक काम करके आया जब तुम्हारी ज़िंदगी मिली, तो उसी के लिए हम काम करेंगे, कोई मायने नहीं, कोई मजहब, कोई रिलीजन हमको कोई मायने नहीं रखता। मैं डॉक्टर गुरुराज देशपांडे, यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और इंचार्ज ऑफिसर पेरिफेरल कैंसर सेंटर गुलबर्गा। ये किडवाई का एक ब्रांच है जहाँ पे 80 बेडेड हॉस्पिटल है। रोज़ाना यहाँ पे हम 2 से 3 सर्जरीज कर रहे हैं, 80 के करीब रेडिएशन और 15 से 20 कीमोथेरेपी होते हैं। 80 बेड लगभग हमारे 80 बेड्स फुल चल रहे हैं अभी, उसके अलावा 50 तो करीब हमारे धर्मशाला में पेशेंट्स रुक रहे हैं, जिनकी अभी जो अकोमोडेशन के लिए जो तकलीफ है वो भी हम फ्री में दे रहे हैं। धर्मशाला में भी हम लोग जो अकोमोडेशन है वो भी फ्री में रहता है पेशेंट और उनके एक रिश्तेदार को, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको 3 टाइप का खाना भी दे दें, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना दे, ये
हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे बहुत बड़े दिल वाले हमारे साथ जुड़े हैं अभी इस नेक काम में हमारे हाथ बढ़ा रहे हैं। नमस्ते। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर सफ़ा लंगर के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने का सिलसिला आगाज़ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी तक जारी है और ये 283 दिन बुक हुए थे और तकरीबन 237 दिन 237 डेज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खिला चुके हैं और 82 डेज अभी बुकिंग के बाकी हैं। हम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत से अतराफ व अकनाफ के बहुत से मुस्तैक मरीज़ और मुसाफिर आ रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसके ज़रिए से। हमारा सफ़ा बैतुल माल का काम इंसानियत के बुनियाद पर है, जहाँ तमामी मजाहिब के लोगों को जो है खिदमत की जाती है, ब्लैंकेट तकसीम किए जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो है सफ़ा बैतुल माल के तमामी ज़िम्मेदारान कैंसर हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर गुरुराज देसाई साहब के साथ हमने मुलाकात की और वहाँ 50 जो है ब्लैंकेट्स उनके हवाले किए मुस्तैक मरीज़ों के लिए और खाने का निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी है। अहबाब से गुजारिश करते हैं कि अहबाब इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 20 दिसंबर बरोस पीर सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर हॉस्पिटल को हम तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों से मुलाकात हुई। तकरीबन 50 ब्लैंकेट्स वहाँ पर हमने डॉक्टरों के हवाले कर दिए क्योंकि बहुत सारे वो मरीज़ थे जिनके लिए उड़ने का बिस्तर वगैरह नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद से अब तक जो यहाँ पर खाने का लंगर जो चल रहा है सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना ये वक्त में जारी है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, बिला मजहब हम ये जो काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे यहाँ पर गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो बीमार हैं और बहुत सारे लोग जो दवाखानों में शरीक हैं उनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे और प्यासे, जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों का बिला मजहब हम आगे बढ़कर काम करना ये हमारा एक फरीज़ा है। गुजारिश है कि तकरीबन 8 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा का आप तावुन फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से तकरीबन 8 महीने पहले जिम्स हॉस्पिटल के सामने ठहर कर हमने रमज़ान का महीना था, मुबारक महीने में हमारा सफ़ा बैतुल माल के जानिब से लंगर का सिस्टम जो खाने का यहाँ आगाज़ किया गया था। तकरीबन 282 डेज जो है मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लंगर जो हमारा चल रहा है और बहुत सारे अल्लाह के वो बंदे जिसको अल्लाह ने माल दिया था उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अभी 82 डेज बाकी है और जो बुकिंग के लिए आप हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि अगर ये बुकिंग जल्द हो जाएंगी तो ये मुसलसल जारी वो सारी हमारा सफ़ा लंगर चलता रहेगा। आज सुबह से हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 12:30 बजे कैंसर हॉस्पिटल जाकर वहाँ पे मरीज़ों को खाना तकसीम किया गया और वहाँ के डॉक्टर साहब के रिक्वेस्ट पर जो है हम 50 ब्लैंकेट हुआ उनके हवाले किए गए और उसके बाद अभी हम जो है जिम्स हॉस्पिटल के सामने ठहर कर आप हजरात से अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके सफ़ा बैतुल माल का तआवुन फरमाएँ और ये गरीब मुस्तहिकीन तक जो है हमारे लंगर का काम का खाना जो है जारी हुआ सारी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सफ़ा बैतुल माल की तरफ से हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कैंसर यूनिट पर। वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं गुरुराज देशपांडे साहब, उनकी रिक्वेस्ट पर हम लोग जो है वहाँ के पेशेंट्स को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, मोर देन 50 ब्लैंकेट्स। उसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं सफ़ा लंगर के नाम से शहर गुलबर्गा में रोज़ाना 25 किलो चावल जिम्स हॉस्पिटल में और कैंसर यूनिट गिडवई में खाना खिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 डेज़ जो है हम लोगों का अब तक हुआ है खाना खिला रहे हैं और लगभग जो है 120 दिन और बाकी है, 4 महीने और बाकी हैं हमारी खाना खिलाने के।
और बुकिंग भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसके अंदर और 82 डेज़ की बुकिंग बाकी है। अगर कोई भी अफराद जो है अपना किसी के नाम से, मरहूमिन के नाम से या किसी के नाम से खाना खिलाना चाह रहे हैं तो आप सफ़ा बैतुलमाल को राबता कर सकते। नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करिए, इंशाल्लाह हमारी टीम आप तक घर तक पहुँच कर इंशाल्लाह अमाउंट हासिल करेंगे, आपको रसीद पहुँचा देंगे। अगर आप ऑनलाइन भी देना चाह रहे हैं तो 9663090818 ये फ़ोनपे नंबर है, या फिर हमारे ऑफिस के नंबर 7026604051 ये भी ऑफिस का नंबर है, ये भी नंबर पर आप फ़ोनपे गूगल पे कर सकते हैं, या आप कैश देना चाह रहे हैं तो भी इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे आप तक पहुंचकर अमाउंट हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम।